हे गाइस, वेलकम टू द बाइक्स वे यूट्यूब चैनल एंड दिस इज सांतन चौधरी अगेन। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, आप लोगों के लिए एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जिससे सुनकर आप लोग एक इन्फॉर्मेशन अपने अंदर ग्रैब कर पाएंगे, अपने अंदर एक इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे जो कि लाइफ टाइम आप लोगों को काम दे पाएगा। जो बाय रोड मैंने अभी 1100 किलोमीटर का ट्रिप किया है दिल्ली टू पटना, उसका मैं एक्सपीरियंस आज आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। प्रॉपर एक्सपीरियंस, क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या प्रॉब्लम्स हैं वहाँ उस रोड्स पे, कौन कौन से रूट से आप आ सकते हैं, कितना पेट्रोल खर्चा होता है, कितना आने में खर्चा होता है 1000 किलोमीटर इस BMW बाइक पे, तो आज इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। पहली चीज़, दिल्ली से पटना, यानी कि दिल्ली एक सेंटर है, अगर आप पटना को नॉर्थ ईस्ट मान लें, अगर आप लोगों को दिल्ली से सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की तरफ आना है तो आपके पास दो रूट्स आते हैं। पहला एक वाराणसी कानपुर होके, दूसरा रूट जो कि सबसे अच्छा रूट माना जाता है, हाईवेज़ आपको अच्छे मिलेंगे, दो बड़े इंडिया के सबसे बड़े हाईवेज़ आपको उस रूट में मिलेंगे। पहला एक ताज एक्सप्रेसवे जिसको हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं, दूसरा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो कि 317 किलोमीटर का है। जो पहला एक्सप्रेसवे है ताज एक्सप्रेसवे, वो 217 किलोमीटर का है। 217 किलोमीटर में 5 पेट्रोल पंप्स हैं। और अगला जो हाईवे है जो कि आगरा क्रॉस करने के बाद आप चढ़ेंगे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे, यानी कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, उस पर सिर्फ और सिर्फ दो पेट्रोल पंप हैं। पहला पेट्रोल पंप आप लोगों को मिलेगा 117 किलोमीटर पे, दूसरा 217 किलोमीटर पे, तीसरे में हाईवे ख़त्म हो जा रहा है। हर एक किलोमीटर पे आपकी मार्किंग वहाँ, वो ऐसा हाईवे है, इंडिया का एकमात्र ऐसा हाईवे है जो 317 किलोमीटर तक हर एक 100 मीटर का भी डिस्टेंस लिखा हुआ है, हर एक बोर्ड लगे हुए हैं, 100, 200, 300, 400, 700, 800, 900 और 1000 पे जो किलोमीटर आ जाएगा वो किलोमीटर लिखा हुआ रहता है। तो वो दो हाईवे हैं जिसके थ्रू आप जल्दी से जल्दी नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ सकते हैं। फास्टेस्ट रूट है वहाँ, फास्टेस्ट रूट बोलते हैं हम लोग उसको। अब उस हाईवे पे बात कर लेते हैं कि उस हाईवे पे खर्चे क्या क्या हैं। खाने पीने के खर्चे हैं, पेट्रोल का खर्चा है और टोल का खर्चा है। दिल्ली से आगरा का जो टोल है, जो ताज एक्सप्रेसवे है, जो यमुना एक्सप्रेसवे बोलते हैं उसको, उस पे 205 रुपये का टोल लगता है। और जो आगरा से लखनऊ के लिए है वो 317 किलोमीटर का हाईवे है, उस पर 295 का टोल लगता है बाइक का। दोनों हाईवेज़ पे आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी पेट्रोल पंप्स के, तो पहले हाईवे को इग्नोर करते हैं क्योंकि पहले हाईवे पे 5 पेट्रोल पंप है। दूसरे हाईवे को लेते हैं कि दूसरे हाईवे पे जैसे ही आप आगरा से, मतलब दिल्ली से आगरा पहुँच जाएँ, तो बीच में ही रास्ते में जब आगरा का लखनऊ एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे चढ़ने वाले होते हैं, उससे 10 किलोमीटर पीछे एक पेट्रोल पंप है जहाँ मैंने खुद फ्यूल अप करवाया था, तो वहाँ आप टैंक फुल करा लें। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि पेट्रोल पंप्स तो बहुत सारे हैं रास्ते में आगरा और लखनऊ के बीच, लेकिन बाहर हटके है, मतलब हाईवे से बाहर है। अगर आप रात को ट्रैवल कर रहे हैं उस हाईवे पे बिल्कुल सेफ है। हर 200 या 300 मीटर पे आपके पास एक SOS बटन होता है जिसको दबाने के 5 मिनट के अंदर आपके पास पुलिस की जिप्सी या PCR वैन पहुँच जाती है, तो वो हाईवे रात के लिए भी सेफ है। बट सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है कि लोग क्या करते हैं ना, पेट्रोल लेने के लिए नीचे उतर जाते हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे राइडर्स हैं जो कि रात में ट्रेवल करते हैं और वहाँ से उनको अगर पेट्रोल की प्रॉब्लम होती है तो हाईवे से नीचे उतर के गांव में जाकर पेट्रोल लेते हैं, बट दिस इज नॉट सेफ। मैं आप लोगों को बताता हूँ, रात में कोई भी हाईवे सेफ नहीं होता है हाईवे से बाहर जाना, क्योंकि वो तारों से पूरी तरीके से घिरा हुआ है। दोस्तों, अगले प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है, मतलब इंडिया के जितने भी राइडर्स उस हाईवे को कर चुके हैं वो ये प्रॉब्लम जानते होंगे। अगर आप भी जा रहे हैं उस हाईवे पे तो सतर्क हो जाए। उस हाईवे पे सबसे ज्यादा नींद के कारण एक्सीडेंट्स होते हैं। मैंने काफी सारे लोगों से ये बात पूछा है कि भैया बताओ, जैसे टोल प्लाजा पे जो लोग होते हैं उनसे पूछा है, जो सरकारी ढाबा है वहाँ का, जो प्रॉपर सरकारी ढाबा है हाईवे के अंदर ही, वो पूरा कैंपस इंगेज है, मतलब वो कैंपस चारों तरफ से दीवालों से और तारों से घिरा हुआ है। उसी के अंदर ढाबे भी होते हैं, कॉफ़ी मिल जाएगा आपको, बड़े बड़े ब्रांड्स के खाने पीने का सामान मिल जाएगा, हर एक चीज़ मिल जाएगा आपको, वहाँ रहने की सुविधा मिल जाएगी। मेरे कॉफ़ी शॉप के स्टाफ से बात हुई प्रॉपरली, दोस्तों मैंने पूछा था कि भैया आप यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट किस वजह से हो रहे हैं, तो उन्होंने सीधा सीधा यही जवाब दिया था कि यहाँ पे अगर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ नींद के कारण हो रहे हैं। अब नींद के कारण क्यों एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो बता रहा हूँ। नींद लग जा रहा है आदमी को, स्टेयरिंग सीधा लॉक हो जा रहा है, सामने जाके कहीं भी डिवाइडर में घुस जा रहे हैं, या तो फिर रोड मुड़ रहा है वहाँ पे सीधा जा रहे हैं। मेरे साथ भी काफ़ी प्रॉब्लम हुआ नींद की, मैं नींद कंप्लीट करने के लिए हाईवे पे रुका और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुई थी, आप लोग पिछले व्लॉग्स में भी देख रहे हैं, पावर नैप लेना पड़ा, मतलब हर जगह मैं सोते हुए जा रहा था इस तरीके से। उस हाईवे पे नींद क्यों आती है, अब मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ। उस हाईवे पे मतलब सरकार को कुछ करना चाहिए ऐसा कि जॉयफुल लगे हाईवे। जो दिल्ली से आगरा आ रही है हाईवे वो बहुत ही जॉयफुल है, वहाँ नेचुरल वाइब्स आते हैं चलाने पे, वहाँ पेड़ हैं, पौधे हैं, बहुत चीज़ें हैं,
लेकिन जो आगरा से लखनऊ का रोड है वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, तीन तीन किलोमीटर तक कुछ भी नहीं दिखेगा, ना एक गाड़ी, ना एक कोई आदमी, ना कोई दुकान, ना कुछ पेड़, कुछ भी नहीं दिखेगा आप लोगों को। तो सरकार को कम से कम एटलीस्ट पेड़ लगाने चाहिए, पोस्टर्स बैनर्स लगाने चाहिए, कुछ जॉय के लिए मतलब ऐसा होना चाहिए जो आदमी वहाँ इंजॉय करते हुए जाए। आदमी क्या होता है ना, जब आप हाईवे पे अपनी बाइक को चला रहे होते हैं, अपनी कार को ड्राइव कर रहे होते हैं, तब प्रॉब्लम आती है कि आप वहाँ इल्यूजन में जाते हैं। यानी कि अगर आप एक कैमरा के सामने, यानी कि अगर आप एक टीवी के सामने बैठकर 5 घंटे तक सेम चीज़ रोड को ही देखते रहोगे तो आपको ऑब्वियस है कि आपको नींद आ जाएगी। तो लोग इल्यूजन में जाके नींद में जाते हैं और उसके बाद उनकी एक्सीडेंट्स होते। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक पेट्रोल और दूसरा नींद, उन दोनों हाईवेज पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे ही आप लखनऊ पहुँचते हैं वहाँ से आपको सिटी दिखता है, वहाँ से लोग दिखते हैं, वहाँ से गाड़ियाँ दिखती हैं, वहाँ से आप लोगों को रोड थोड़ा ख़राब भी मिलता है तो एक्टिव रहता है लोग। वहाँ इतना अच्छा रोड है, आगरा से लखनऊ इतना अच्छा रोड है कि आप एकदम रिलैक्स होकर चलाते हो और आपको नींद आ जाती है। जैसे ही आदमी रिलैक्स हो जाता है वैसे ही उसको नींद आना शुरू हो जाता है। तो कॉफ़ी लेते रहें, प्रॉपर पानी पीते रहें। फिर जब आप जैसे ही गोरखपुर क्रॉस करते हैं, लखनऊ से गोरखपुर जब आप जाते हैं, हाईवे है लखनऊ से गोरखपुर जाने के लिए, उस हाईवे पे कट्स मारे हुए हैं। मतलब वो अजीब सा चीज़ है, वो थोड़ा इरिटेटिंग लगा मेरे को उस रास्ते में कि मतलब जो हाईवे है ना वो कटा हुआ है। मतलब एक लाइनिंग्स हैं, बहुत सारे लाइन्स हैं रोड पर और कंटिन्यू वो लाइन्स चलती जाती हैं। पता नहीं वो किस लिए बनाया गया है, स्पीड बम्प्स कहीं भी नहीं है। लखनऊ से गोरखपुर तक का ट्रैफिक आप लोगों को टोटली डिफरेंट मिलेगा। मतलब वहाँ लोग कम रूल फॉलो कर रहे होंगे, ज़्यादा हॉकिंग हो रही होगी, खाने पीने की प्रॉब्लम होगी, अच्छे ढाबे नहीं मिलेंगे आपको। अगली बात कि वहाँ लोग रैश ड्राइविंग भी कर रहे होते हैं, तो आप बी केयरफुल रहें। जब आप लखनऊ से गोरखपुर तरफ बढ़ें तो आप अच्छे से चलाएं, कंसंट्रेट होकर चलाएं। वो रोड उतनी अच्छी भी नहीं है, हाईवेज पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, लोग ओवरटेक कर रहे होते हैं एक दूसरे को। जब आप बिहार के अंदर आते हो, क्योंकि आपको नॉर्थ ईस्ट के लिए बिहार जाना ही पड़ेगा, तो आप जब बिहार के अंदर आते हो तो थोड़ी रोड्स ख़राब मिलती है। बट आपको जैसे ही देवरिया हाईवे जो मिलता है, एक हाईवे है मैं आप लोगों को मेंशन कर दूंगा गूगल मैप में, यही वो हाईवे है। जैसे ही आप एक प्रॉपर हाईवे ले लेते हो गोपालगंज बॉर्डर के बाद, वैसे ही आपका रोड पूरा पूरा क्लियर हो जाता है, टिल द गैंगटॉक, टिल नॉर्थ ईस्ट, टिल भूटान, टिल सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी एक सेंटर मानते हैं हम लोग कि वहाँ से जाने के बाद, वहाँ जाने के बाद हम गैंगटॉक जा सकते हैं, दार्जिलिंग जा सकते हैं, पीलिंग जा सकते हैं, भूटान जा सकते हैं। तो सिलीगुड़ी जैसे ही आप पहुँचते हो वहाँ आप रिलैक्स हो जाते हो। तो सिलीगुड़ी का जो रोड है वो यही रोड है जो आपको पटना से लाता है, सॉरी, जो आपको गोपालगंज यानी कि यूपी से जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं आप, यही रोड है जो आपको सीधा सिलीगुड़ी तक ले जाता है। और ये रोड काफ़ी अच्छे कंडीशन में है। मुजफ्फरपुर से आपको कटना होता है, ये हाईवे जो है ये NH57 है, ये NH57 मुजफ्फरपुर से सिलीगुड़ी तक छोड़ता है आपको। दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। एंड पेट्रोल की बात करें तो इसमें लगभग मेरे को 1100 किलोमीटर का पेट्रोल लगा था, अराउंड 3500 रुपये का पेट्रोल लगा था मेरे को टोल वगैरह लगा के। इसकी माइलेज अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा इसकी माइलेज क्या है और ये बाइक मेरे को कितना माइलेज आउटपुट दे रही है। अगर ये बाइक आप लोगों को लेना है तो आप लोग बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि माइलेज बता दो यार कितना, बहुत लोग रास्ते में रोक के पूछते हैं कि कितने की बाइक है और कितना माइलेज दे। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को अगले वीडियो में दूंगा कि ये प्रॉपरली कितना माइलेज निकाल रही है। आप यूपी इंटर करते ही मेरे ख्याल से रात में ट्रेवल ना करें, लखनऊ के बाद रात में आप कभी भी ट्रेवल ना करें, ये रिस्की हो सकता है। थैंक यू सो मच गाइज। अगर ये वीडियो आप लोगों को जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेवल करना चाह रहे हैं, दार्जिलिंग, गैंगटॉक, भूटान, ये सब ट्रेवल करना चाह रहे हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।